गुड इवनिंग एवरीवन, ये है ऑटोडेस्क रिविट आर्किटेक्चर ट्यूटोरियल वीडियो सीरीज की वीडियो 2। फर्स्ट वीडियो में हमने सीखा था लेबलिंग के बारे में और सेकंड वीडियो हम सीखेंगे वॉल्स के बारे में। तो ये मेरा रिविट आर्किटेक्चर है, मैं एक न्यू प्रोजेक्ट कर लेता हूँ। जैसे ही न्यू प्रोजेक्ट करते हैं तो यहाँ पर आता है प्रोजेक्ट और प्रोजेक्ट टेम्पलेट। प्रोजेक्ट मीन्स कोई पहले से प्रोजेक्ट है, आप उसको ओपन करना चाह रहे हो, या प्रोजेक्ट टेम्पलेट। लास्ट क्लास में मैंने बताया था आपको कि टेम्पलेट एक सेटिंग होती है हर इंडिविजुअल प्रोजेक्ट की। जैसे कि मैंने एक शीट बनाई है और मैं चाहता हूँ कि मेरी कंपनी का लोगो और नाम उस पर आए, तो जब भी मैं कोई शीट अपना प्रोजेक्ट स्टार्ट करता हूँ तो मैं उसी शीट को ओपन करके उसी में स्टार्ट करूँगा, तो मेरा कॉलेज का और कंपनी का नाम जो भी है वो उस पर रहेगा। तो टेम्पलेट इस तरह, या फिर यूनिट सिस्टम है, यानी कि एक सेटिंग। तो कई हर ड्राइंग हर प्रोजेक्ट की अपनी अलग अलग सेटिंग होती है, इस तरह से बहुत सारे टेम्पलेट इसमें पहले से मौजूद हैं, आप अपना ही बना सकते हैं। तो मैं एक टेम्पलेट यहाँ से ब्राउज़ करता हूँ। ब्राउज़ इसलिए करना पड़ रहा है मुझे क्योंकि मेरी जो रिविट आर्किटेक्चर की लाइब्रेरी डाटा है वो अलग से सेव है। कभी कभी क्या होता है, वो सेटअप के साथ इंस्टॉल हो जाती है, तो हमें ब्राउज़ करने की ज़रूरत नहीं होती, वो यहीं आपकी लिस्ट में, यहाँ लिस्ट में आ जाती है। तो मैं यहाँ से ब्राउज़ करता हूँ और यहाँ से ले लेता हूँ मैं यूएस मैट्रिक, यानी कि मैं यूएस मैट्रिक डिफ़ॉल्ट मैट्रिक, यानी कि इस शीट में, इस टेम्पलेट में जो मेरी यूनिट्स होगी वो मैट्रिक होगी। आप देख सकते हैं यहाँ पे इलेक्ट्रिकल काम के लिए इलेक्ट्रिकल टेम्पलेट बनाई हुई है, स्ट्रक्चर के लिए स्ट्रक्चर बनाई हुई है, कंस्ट्रक्शन के लिए कंस्ट्रक्शन। तो एक मैट्रिक हम दिखा करते हैं जो MPT है, केवल यूनिट उसमें मैट्रिक है। ये ओपन किया मैंने और ओके किया, ये आ गई हमारी। जैसे कि लास्ट क्लास में बताया था, जैसे ही अपनी प्रोजेक्ट करते हैं तो चार आपको सर्कल दिखाई देते हैं जो हमारी डायरेक्शन होती है। ये होती है नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, साउथ और वेस्ट, ठीक है। और ये हमारा प्लान लेवल शो करता है जैसे ही अपनी प्रोजेक्ट करते हैं। और ये होती है हमारी प्रॉपर्टीज़, जो भी एलिमेंट, कॉलम, बीम, डोर, विंडो, जो भी कॉम्पोनेंट है बिल्डिंग के, हम किसी को भी सिलेक्ट करेंगे तो उसकी प्रॉपर्टीज़ यहाँ पर आएगी। और यहाँ पर हमारा प्रोजेक्ट ब्राउज़र जो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें हम लेवलिंग, प्लान, डायरेक्शंस, ये सब चेक कर सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं वॉल से। आप ऊपर देख सकते हैं इस मेनू बार में सबसे फर्स्ट टैब है आपका आर्किटेक्चर का, इसी में आपको बिल्डिंग के सारे कंपोनेंट मिल जाएंगे। उसके बाद स्ट्रक्चर, सिस्टम, एनोटेड, वो अलग चीज़ है। तो आर्किटेक्चर में सबसे पहला है आपका वॉल। जैसे ही मैंने वॉल पर क्लिक किया, आप देख रहे हो यहाँ पर सारे आइकन्स चेंज हो गए और यहाँ पर एक टैब आ गया है मॉडिफाई प्लेस वॉल। कुछ भी आप चीज़ कंपोनेंट लोगे, कुछ भी लोगे, वॉल, विंडो, तो उसकी अलग एक विंडो आ जाएगी, यानी कि उसको एडिटिंग की विंडो आ जाएगी, कि उसे एडिटिंग करना है, मॉडिफाई करना है, जो भी करना है, उसकी अलग से एक टैब खुल जाएगा मॉडिफाई नाम से। तो मॉडिफाई नाम से खुल गया टैब और हमारा जो माउस का कर्सर है वॉल बनाने के लिए रेडी है। और ये कौन सा व्यू है हमारा, प्लान। यहाँ पर आप प्रॉपर्टीज़ में देखोगे, यहाँ पर बेसिक वॉल है 200 mm, और यहाँ पे अलग अलग टाइप्स की वॉल है, आप किसी भी टाइप की वॉल ले सकते हो, कर्टेन वॉल, एक्सटीरियर ग्लेजिंग, रिटेनिंग वॉल, इंटीरियर वॉल, जिस टाइप की आपको वॉल चाहिए आप ले सकते हो। और यहाँ पर वॉल्स की प्रॉपर्टीज है, ठीक है। तो हम वॉल ड्रॉ करते हैं, मैंने क्लिक किया और इसको ड्रैग किया, ऊपर डायमेंशंस आ रही हुई है, MM में डायमेंशंस आ रही हैं, ये ध्यान रखना आप मैट्रिक में। तो मेरे को अगर 10 meter की वॉल बनानी है तो मैंने 10,000 टाइप किया और ये हमारी 10 meter की वॉल बन गई। फिर मेरे को दोबारा 10,000 एक वॉल बनानी है, तो मैंने दोबारा लिया और इस कॉर्नर पे, इस वॉल कॉर्नर पे जैसे ले गया तो ऑटोमेटिक एक ये डिटेक्ट कर लेता है इसका सेंटर। अब मैंने सेंटर पे क्लिक किया और एक वॉल देखो, एंगल भी दिखा रहा है आपका और आपका डायरेक्शन भी दिखा रहा है, और मैंने यहाँ पर डाल दिया 10। ये मेरी 10 मीटर की वॉल। नेक्स्ट वॉल द्वारा मैंने यहाँ पे क्लिक किया, ये 1 meter की बन गई, कोई बात नहीं। इसी तरह से हमने एक स्ट्रक्चर बना लिया। ये स्ट्रक्चर बना लिया, ठीक है। अब देखिए इसकी जो वॉल की जो थिकनेस है, क्योंकि हमने यहाँ से बेसिक वॉल ली थी 200 mm है, ठीक है। अगर आपको इस
कोई ऐसी थिकनेस चाहिए जो इसमें पहले से गिवन नहीं है, जैसे कि इसमें 230 mm गिवन नहीं है, हमें वो 230 mm की वॉल बनानी है। तो मैं यहाँ पे एडिट में गया और एडिट में आपका होगा स्ट्रक्चर के आगे एडिट का बटन, उस पर क्लिक किया और यहाँ पे देखो ये आ रही थिकनेस, मैंने डाल दी 230, ओके कर दिया। ओके करने के बाद देखिए यहाँ पे जो पहले से सिलेक्ट थी वो थी बेसिक वॉल, जब मैंने एडिट किया तो उसी बेसिक वॉल में ये एडिट हो रहा है। अगर मैंने इसमें 230 थिकनेस डाल दिया और ओके कर दूंगा तो जो बेसिक वॉल पहले से इसमें पड़ी थी उसकी थिकनेस हो जाएगी 230। तो ऐसा ना करके हम एक नई वॉल बनाते, तो मैंने यहाँ पे किया डुप्लीकेट और यहाँ पे टाइप डाला वॉल 230 mm और ओके कर दिया। इससे क्या हुआ, हमारी जो बेसिक वॉल है 200 mm की वो तो रहेगी और एक नई वॉल बन जाएगी 230 mm की। अब ओके कर दिया, अब देखिए यहाँ पे 230 mm की वॉल आ गई है। अब मैं इसको भी ड्रॉ करके देख लेता हूँ, देखिए आपको देख सकते हैं थिकनेस इसकी बढ़ गई है। ये आपका स्ट्रक्चर बन गया है। अब कुछ और एडिटिंग टूल्स को देखते हैं, जैसे कि अब मैंने कहा था यहाँ से एलिवेशन में देखते थे, नॉर्थ पे हमने देखते हैं डबल क्लिक करके। तो देखिए जो हमने फर्स्ट वॉल ये बनाया था वो था हमारा प्लान, ये है हमारा प्लान, और जब हम इस एलिवेशन पे गए तो कुछ इस तरह से दिखाई दे रहा है। दो लेवल है हमारे जिनका डिस्टेंस है 4 मीटर और हमारी जो वॉल है वो लेवल से ऊपर जा रही है, ऐसा क्यों हुआ? और ये लेवलिंग से थोड़ी साइड में राइट साइड में भाग रही है, ऐसा क्यों हुआ? देखिए जब हम लेवल वन पर इस वॉल को ड्रॉ कर रहे थे तो आप देख सकते हो कि हमारी जो वॉल है वो नॉर्थ से लेफ्ट जा रही है, इस वजह से हमारी नॉर्थ में वो राइट जाते हुए दिखाई दे रही थी जब टॉप व्यू में देखते हैं। और ये हमारी जो लेवल की हाइट थी वो थी 4 मीटर, लेकिन ये दिखा रहा है आपको कुछ ज़्यादा उससे, तो देखते हैं ऐसा क्यों दिखा रहा है। तो जैसे मैंने वॉल पे क्लिक किया तो देखिए यहाँ पे कुछ इनपुट डला हुआ है 8000, यानी कि जो वॉल हम ड्रॉ कर रहे थे वो 8 मीटर की कर रहे थे। अब मैं क्या करता हूँ, इसको 4000 कर देता हूँ, अब एक वॉल ड्रॉ करता हूँ। अब हम नॉर्थ में जाके देखते हैं दोबारा, देखिए इसकी जो हाइट है वो आपकी इस लेवल तक ही है। अब मान लीजिए कि हमने ये सारा एक स्ट्रक्चर पूरा ड्रॉ कर दिया और हम ध्यान नहीं रहा वॉल की हाइट को चेंज करना। अब वो हमारा स्ट्रक्चर की हाइट थी 4 मीटर लेकिन हमने बना दी 8 मीटर, अब क्या करें? तो उसके लिए बहुत इजी है, देखिए यहाँ पे एक 3D बटन है, हट बनी हुई है, इस पर क्लिक करोगे तो 3D व्यू आ जाएगा। इस तरीके से हमने स्ट्रक्चर बनाया, तो मैंने क्या किया, इस स्ट्रक्चर को सिलेक्ट किया 3D में, 2D में, कैसे में जाके व्यू में जाके सिलेक्ट कर सकते हो। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे एक सिलेक्ट करने के बाद ये आइकन आता है फिल्टर, इस फिल्टर पे हमने क्लिक किया और यहाँ पे वॉल्स आ रहा है और ओके कर दिया। उसके बाद यहाँ पर देखिए प्रॉपर्टीज़ में एक आ रहा है अनकनेक्टेड, यानी कि इस वॉल को किससे अनकनेक्ट करना है, लेवल 2 से हमारे, क्योंकि हमें लेवल 1 तक ही बिल्डिंग बनानी थी। ये देखिए अब ये वाली भी हमारी वॉल भी केवल लेवल 1 तक हो गई है। ठीक है आगे चलते हैं, प्लान पे चलते हैं, प्लान पे ही हम सारे ड्राइंग बनाते हैं। तो जब हमने वॉल पे क्लिक किया तो ये कुछ ऑप्शंस आ रहे थे, सारे ये टूल्स अभी नहीं हम सीखेंगे, जब हम एडवांस पूरा एक बिल्डिंग बनाएंगे, एक बहुत बड़ा लेवल पे कोई प्रोजेक्ट करेंगे तब हम एक एक टूल को जानेंगे, अभी हम छोटे छोटे टूल देखते हैं। देखिए यहाँ पे एक है टूल ये वाला, ये बहुत काम आता है अलाइन का, यानी कि किसी एक लाइन से या किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर हमें दूसरी ऑब्जेक्ट को सेट करना। तो देखिए मैंने इस ऑब्जेक्ट को पूरे को सिलेक्ट किया, अलाइन पे क्लिक किया, मैंने पहले इस लाइन पे क्लिक किया और फिर मैंने इस लाइन पे क्लिक किया, तो देखिए क्या हुआ, पहले इस लाइन पे क्लिक किया और फिर इस लाइन पे, ये देखिए क्या हुआ, ये एरर इसलिए दिखा रहा है, एक एरर आया हुआ है। देखो एरर जानना भी बहुत अच्छी बात होती है, क्यों आया है?
जब मैंने अलाइन का मतलब होता है कि मैंने फर्स्ट लाइन ये सेलेक्ट करी और सेकंड ए लाइन सेलेक्ट करी, तो ये एलिमेंट उठ के हमारा यहाँ कनेक्ट हो जाएगा। बट यहाँ पर जो एक जॉइंट बना हुआ है ये डिसकनेक्ट हुआ, उसकी वार्निंग दे रहा था। अगर हम एक वॉल बनाए सिंपल और अब मैं इसको अलाइनमेंट करता हूँ यहाँ से यहाँ, तो कोई एरर नहीं आएगा कि बिकॉज इसके साथ कोई और कनेक्शन नहीं है। ठीक है, अलाइन हो गया। इसी तरह एक आपका एक कॉपी का है, मिरर है, या आपका ऑफसेट का है। ऑफसेट यानी कि इस पर क्लिक किया आपने, यहाँ पे डाल दिया 1 मीटर डाला हुआ है। जैसे कि जैसे मैं इस वॉल पे क्लिक करूँगा एक और वॉल बन जाएगी 1 मीटर पे। मैंने डाल दिया यहाँ पे 2.5 मीटर। अब मैं इस वॉल पे क्लिक करूँगा 2.5 मीटर पे दूसरी वॉल जाएगी, वॉल बन जाएगी। इस तरह से ये कॉपी पेस्ट कटिंग के टूल्स हैं। उस दिन यहाँ पे देखिए जब हम वॉल बना रहे थे यहाँ पे भी कुछ टूल्स आ रहे हैं, जैसे रेक्टेंगल से डायरेक्टली रेक्टेंगल वॉल बन जाएगी, इससे यारी वॉल बन जाएगी, सर्कुलर बनानी है तो आपको इससे बन जाएगी सर्कुलर। अगर हम इसे 3D में देखते हैं यहाँ से तो ये ऐसे कुछ स्ट्रक्चर दिखाई देंगे। तो अब ये सिंपल वॉल हमने बनाई है। बहुत सी चीज़ें होती हैं वॉल में, कटिंग करना, वॉल की थिकनेस चेंज करना, या वॉल में ओपनिंग, वॉल डोर, ये सब हम आगे ट्यूटोरियल में सीखेंगे। एक चीज़ और इम्पोर्टेंट चीज़ है, देखिए जब मैं कोई वॉल बनाता हूँ तो आप देख रहे हो वॉल जो बन रही है हमारी, ये सेंटर लाइन से डिस्टेंस ले रही है। अगर हम चाहते हैं सेंटर लाइन से ना ले, आउटर फेस से इनर फेस से ले, तो हमने वॉल पे क्लिक किया और यहाँ पे किया। देखिए यहाँ पे वॉल पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है एक्सटीरियर। जैसे ही आप एक्सटीरियर पे क्लिक करेंगे आप देखिए डिस्टेंस जो है, ये जो इमेजिनरी लाइन है वो ले रहा है ये आउटर। इसी तरह से अगर हम फेस इंटीरियर पे जाएं तो इंटीरियर ले रहा है। ठीक है, और यहाँ से हम डायमेंशंस मेजर कर सकते हैं। एंगल मेजर कर सकते हैं। अब देखिए जो एंगल मेजर कर रहा है ये कर रहा है वॉल के सेंटर टू सेंटर, पर हमें चाहिए इंटीरियर टू इंटीरियर। तो मैंने यहाँ पे किया फेस ऑफ कोर, अब ये फेस से दिखा रहा है। मैंने कर दिया ये वॉल फेस, तो ये वॉल फेस से एंगल दिखा रहा है। तो इस तरह से हम एंगल मेजर कर सकते हैं। अब हम इसे 3D में देखते हैं स्ट्रक्चर को जो भी बनाया। तो 3D में जब आप देखोगे तो कुछ स्ट्रक्चर इस तरह से दिखाई दे रहा है, ब्लैक एंड वाइट लाइन स्ट्रक्चर। अगर आपको 3D विद शेडेड देखना है तो यहाँ पे आप क्लिक करेंगे और रियलिस्टिक पे क्लिक कर देंगे तो ये ऐसा दिखाई देगा। और भी तरह की वॉल्स होती हैं जो सेकेंड ट्यूटोरियल में हम पढ़ेंगे, कर्टेन वॉल, मुलियन, कर्टेन ग्रिड, ये सब, सीलिंग, फ्लोर, रूफ, एक एक चीज़ हम सीखेंगे। तो आज के ट्रोल में केवल वॉल्स के बारे में है। अगर आपको कुछ भी डाउट है, कुछ भी पूछना है तो आप कमेंट कर सकते हैं। प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए मेरा चैनल। थैंक यू।